हमारे कलाकारों से कोई भी भूल हुई हो उसके लिए मैं सभी माताओं और भैयाओं से क्षमा चाहूंगी कि जाते समय सभी लोग हमें अपनी बहन और बेटी समझ करके क्षमा कर दें। मैंने जैसी भी जानी जितना मुझे ज्ञान था, मैं कोई ज्यादा बड़ी ज्ञानी नहीं हूँ, वो मैंने आप लोगों के बीच सभी लोगों को सुनाया। इसके बीच में अगर कोई भी गलती हुई हो तो सभी लोग यहाँ हमारी सभी बुआ और भाई हैं, सभी लोग अपनी बिटिया समझकर भाइयों के लिए बहन समझकर क्षमा करें। और जो ये पति परिचित हैं दोनों लोग आकर के बैठ जाओ। आशा करेंगे तुम लोगों से कि रही हुआ है।
लोगों ने मेरा सम्मान किया है। अभी भैया जी ने चांदी के मुकुट से किया, लालू भैया के रबड़ जी ने सोने की नोच में से, और सभी लोगों ने पैसों के सूटों से। मैं सभी लोगों की आभारी हूँ जिन्होंने इतनी तेज धूप पड़ती हुई मैं हमारी कथा को सुना। मैं सभी की एहसानमंद हूँ। फिरोजाबाद कस्बा पाड़म नगला गढ़ुआ के रहने वाले पास में बैठी हमारी बहन आराधना, अचलपुर जो अतरंजी खेड़ा वाला वहाँ की रहने वाली ये हमारी बहन है, सीख रही है। अगर इससे कोई भी भूल हुई हो तो सभी लोग क्षमा करें। हमारा भाई संजीव जो ढोलक पर झनकार दे रहा है, जिला कासगंज कस्बा कादरगंज ग्राम महला के रहने वाले कड़ा पर झनकार दे रहे हैं, जो तुम्हारी सेवा करते हैं 1202 कथा के माध्यम से। भैया विनोद कुमार साहब कस्बा चरपड़ा सरावल नंगला कलू के रहने वाले, अभी तो कृपा चिंता पर झनकार दे रहे हैं धीरज जिला मैनपुरी कस्बा घिरौर ग्राम हड़ाई के रहने वाले, जो झांकी के माध्यम से तुम्हारी सेवा करता है ये हड़ाई के रहने वाले हैं। हम सभी लोगों का यही पता है, इतने पर भी अगर कोई भी भूल नहीं हो तो हम सभी से माफी चाहेंगे कि भगवान से कहते हैं, भगवान हमारी जैसी बेटी को इस संसार में अवतार न दे। Thank you.
और इन्हीं की बदौलत मैंने इस कथा को गाना था। मैं नहीं जानती थी अकेले अकोले के लोग कैसे हैं, दिल्ली की लोगों की महान कृपा है जो हमें आप जैसे महान मूर्तियों के दर्शन हुए। ये सभी लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। चरण सिंह भैया के जो रिश्तेदार हैं, सभी लोगों ने हमें अपना समझा, अपने की तरह रखा। सभी लोग हाथ उठाकर तालियां बजा दें और सभी